आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट, भ्रूण का परिवर्तन द्विबीजपत्री पादपों में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नरयुग्मक और जो अंडकोशिका है, नरयुग्मक और अंडकोशिका है उसके द्वारा बनता है जाइगोट या युग्मनज, जो होता है 2N। युग्मनज है वो होता है 2N होता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मनज से बनता है भ्रूण, भ्रूण से बनता है बीज, भ्रूण से बनता है बीज, और जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण भी होता है 2N, द्विगुणी संरचना में पाया जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि भ्रूण परिवर्तन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, उस क्रिया का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उस क्रिया का अध्ययन है कौन से पादप में किया गया। इस क्रिया का अध्ययन है वो सबसे पहले केप्सेला वर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में किया गया, भ्रूण परिवर्तन की क्रिया का अध्ययन किया गया। भ्रूण परिवर्तन की जो क्रिया है उसमें सर्वप्रथम जो युग्मनज जाइगोट है वो विश्राम अवस्था के बाद भ्रूण कोष से पोषण प्राप्त कर लेता है, और पोषण प्राप्त करने के बाद में ये युग्मनज है विश्रांत अवस्था में या इन फेवरेबल कंडीशन में युग्मनज है वो क्या कर लेता है, अपने चारों ओर एक कोशिकीय सेलुलोज की परत का निर्माण कर लेता है, और उस संरचना को कहा जाता है उस पोर या निषिक्तांड है वो कहा जाता है। युग्मनज है वो विश्राम अवस्था या इन फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अपने चारों ओर एक कोशिकीय सेलुलोज परत का निर्माण करता है, और इस संरचना का नाम होता है उष्पोर या निषिक्तांड। फिर क्या होता है, इस उष्पोर या निषिक्तांड में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनती है, भ्रूणीय कोशिका या शीर्षस्थ कोशिका जो चेलेजा या निभाग भाग की ओर पाई जाती है। दूसरी जो कोशिका है आधारीय या निलंबक कोशिका बनती है जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है। उसके बाद में भ्रूणीय कोशिका है उसमें उदरवय विभाजन होता है, और उदरवय विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनती है, दो भ्रूणीय कोशिका, और जो आधारीय कोशिका है उसमें विभाजन होता है अनुप्रस्थ, और उसके द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन चारों कोशिकाओं का आकार होता है टी शेप्ड यानी टी आकृति की ये बना लेती है। फिर क्या होता है कि जो दो भ्रूणीय कोशिकाएं बनती हैं उनमें उदरवय विभाजन होता है, और उदरवय विभाजन के द्वारा चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन चार कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है चतुष्टांग कहा जाता है। फिर क्या होता है, जो ऊपर वाली सेल्स हैं जिन्हें हम चतुष्टांग कहते हैं इनमें दोबारा अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा इनके इनमें अष्टांग का निर्माण होता है, और जो नीचे की ओर निभाग भाग की ओर निलंबक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये दो निलंबक कोशिकाएं हैं, इन निलंबक कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये कोशिकाएं 6 से 10 एक कोशिकाओं का समूह बनाती है जिन्हें निलंबक कोशिका है वो कहा जाता है। ये जो निलंबक कोशिकाएं होती हैं ये एक विशेष क्रम में जमा होती है, तंतु रूपी संरचना में जमा हो जाती है, इन्हें निलंबक कोशिका कहा जाता है। इसकी प्रथम कोशिका है इसको अधर स्पीति का या हाइपोबेसल सेल कहा जाता है, नीचे वाली जो कोशिका है इसको चूसकांगी कोशिका कहा जाता है, और ऊपर वाली जो कोशिका है इसका नाम है यहाँ पे एपी बेसल सेल। फिर क्या होता है, जो ऊपर वाली जो चतुष्टांग से अष्टांग बना है उनमें होता है परिणत विभाजन, और परिणत विभाजनों के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं का समूह बनता है, और इन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन होता है, और तीव्र विभाजन होने के कारण से जो भ्रूण है वो हृदयाकार हो जाता है, और इस भ्रूण के अंदर रेडिकल है, कोटिलिडंस है, डर्मेटोजन है, इनका विकास होना है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी अष्टांग है भ्रूण के अधःस्पीतिका के निकट चार कोशिकाएं हाइपोबेसल कोशिकाएं कहलाती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं वो हाइपोबेसल कोशिकाएं कहलाती हैं, और निभाग भाग की और जो चार कोशिकाएं होती हैं
वो कहलाती है एपिवेसल कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं एपिवेसल, फिर इनमें होगा परिणत विभाजन। परिणत जो विभाजन होगा, इस विभाजनों के फलस्वरूप धीरे धीरे भ्रूण है वो हार्ट शेप्ड हो जाएगा, हृदय की आकृति का हो जाएगा। और फिर इसमें विभाजनों के फलस्वरूप जो भ्रूण का जो परिवर्तन है वो पूरा हो जाता है, और इसका पूरा भ्रूण का निर्माण होने के बाद में इस हृदयाकार भ्रूण में दो शीर्ष पालियां ऊपर की ओर वृद्धि कर दो बीज पत्रों का निर्माण करती है। एक दो, ये दो बीज पत्र है, ये हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल है और ये प्लुमल है, और ये पाया जाता है माइक्रोपाइल। ये संरचना जो इनमें प्रांकुर और मूलांकुर का विकास हो जाता है, और इनमें त्वचा है, भरण उत्तक है, सेवन उत्तक है, प्रव और जड़ों का निर्माण है वो हो जाता है। इस प्रकार से द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण में दो बीज पत्र है वो पाए जाते हैं, जो एक अक्ष के साथ जुड़े होते हैं, एक अक्ष के साथ जुड़े होते हैं, जिसे भ्रूणी अक्ष कहा जाता है। अक्ष के शीर्ष भाग को प्रांकुर और नीचे वाले जो भाग है उसको मूलांकुर कहा जाता है। जो आगे जाकर प्रांकुर है वो प्रोह का निर्माण करेगा और मूलांकुर है वो मूल का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो आवर्त बीजी द्विबीजपत्री पादप हैं, उनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट या भ्रूण परिवर्तन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। यानी कहने का मतलब है भ्रूण परिवर्तन की जो क्रिया है उसमें भ्रूण का परिवर्तन होता है, युग्मनज का परिवर्तन होता है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और हमें पता है कि भ्रूण से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो जो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बीज का विकास है वो किस प्रकार से होता है, बीज का विकास है वो किस प्रकार से होता है, उस क्रिया का हम विस्तार पूर्वक है वो अध्ययन करेंगे। और किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से मिलेगा। और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।